वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम करने वाले एक छोटी सी ट्रिप जो कि होगी कल्याणपुर से फतेहगढ़ के लिए। हम इस टाइम खड़े हैं कल्याणपुर स्टेशन पर, सो हम कर रहे हैं अपनी ट्रेन का वेट। तो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं कि मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है और काम बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। होप सो विद इन वन ईयर मेट्रो स्टार्ट हो सकती है और नेक्स्ट ईयर तक हम मेट्रो को भी एंजॉय करेंगे। ट्रेन कानपुर टू दिल्ली जाती है और इस ट्रेन का रूट जो है फर्रुखाबाद टुंडला सिकोहाबाद से है। ये है एसी फर्स्ट कोच जिसमें कि कोरोना की वजह से सारे कर्टन हटा दिए गए हैं। चलिए इसे और एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस ये है यहाँ का कारिंदी एक्सप्रेस का सेकेंड एसी। ये सेकेंड एसी पूरा कोच है जो कि इस टाइम पूरी तरीके से खाली है। देखिए चलते हैं अपने कोच में वापस। Hey guys, तो बैठ चुके हैं अपने ट्रेन में और हम जा रहे हैं इस ट्रेन से फतेहगढ़। मैं बैठी हूँ इस टाइम कारिंदी एक्सप्रेस में और मेरा रिजर्वेशन है फरीसी के फर्स्ट कोच में, जिसका मैंने आपको टूर दिखाया हुआ है। और मैं एक दिन की ट्रिप पर जा रही हूँ और फतेहगढ़ मेरा होम टाउन है और आगे की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो इस टाइम हम हैं अपने पापा के ऑफिस में जो कि है रेलवे ऑफिस। ये देखिए कल हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे इसलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था मैंने। तो मैं आपको दिखाऊंगी रेलवे कॉलोनी। ये है रेलवे कॉलोनी। मैं यहाँ पर
ये है मेरा घर जहाँ पे मैं 20 सालों से रह रही थी, लेकिन अब नहीं क्योंकि मेरे पापा का रिटायरमेंट हो चुका है। छोटा सा बगीचा बनाया मम्मी ने। ये है हम लोगों की बैठने की जगह, और ये देखो इसमें लगा है लॉक, तो ये अभी किसी और के नाम पे नहीं हुआ है क्वार्टर। ये पीछे है बेवर रोड, मतलब इस रोड नाम, इस रोड का नाम है बेवर रोड जिस पे बन रहा है ब्रिज। और ये है माल गोडाउन। ये है हमारा शिव टेंपल। फाइनली आ चुके हैं आरटीओ ऑफिस। अरे यार हम आ चुके हैं भारतीय ऑफिस से वापस और जा रहे हैं फरुखाबाद के सबसे बड़े और फेमस मंदिर है एक, जो कि है बड़े हनुमान मंदिर। तो चलते हैं आपको भी दिखाते हैं ये मंदिर कैसा है। सामने देख रहे हैं वो है RPF, अगर बिना टिकट के आ गए तो इसी में बंद हो गए तुम सब। और ये सब है फतेहगढ़ का रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन का स्टैंड बंद लेके था।
ये है बड़े हनुमान जी का मंदिर, जो कि 500 साल पुराना है। और ये मूर्ति जो है वो लगभग 25 फीट ऊंची है। ये जो मूर्ति बनी हुई है वो गोबर और मिट्टी से बनी हुई है, ये किसी सीमेंट या ईंट से बिल्कुल भी नहीं बनी है। हरी मिर्चा पड़ेगी साबुत खाओ क्या वैसी मिक्स वाली पानी सही है ना? हाँ जी पानी पड़ेगा। काफी दिनों बाद है, एक साल हो गया। हाँ सब सफा कर ये तो बिल्कुल ही मंदिर खत्म हो आपको उतने में वो लगाएगा रोटी लगवा चम्मच दे लो। अच्छे बने वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज़।